नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नामांतरण आंदोलन को सफलता मिल गई है। सफलता इस मायने में कि महाराष्ट्र सरकार ने, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रकल्पग्रस्तों की मांग मानते हुए एयरपोर्ट पर बाला साहब ठाकरे की बजाय दीबा पाटिल के नाम की घोषणा कर दी है। अब ऐसे में प्रकल्पग्रस्त बेहद खुश हैं, बेहद उत्साहित हैं। नामांतरण आंदोलन के लिए प्रयासों के साक्षी रहे हैं, सहभागी रहे हैं वरिष्ठ बीजेपी नेता दशरथ भगत जी। सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? सर, हमें इस बात की खुशी है कि जो किसान है, ये देश का किसान है, यहाँ का भूमिपुत्र है, स्थानीय भूमिपुत्र है, और जो संघर्ष में भूमिपुत्र और शहरी लोग, नागरिक सब ये संघर्ष में एकजुट करके, यह संघर्ष क्या है, ये संघर्ष की जीत है, एक यूनिटी की जीत है, एक किसान की जीत है। हम बहुत खुश है, लेकिन समाधान नहीं है। बोले यहाँ सरकार ने जो ठहराव मंजूर किया है, दीबा पाटिल साहब का अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को नाम देना है, हमें खुशी है, हम उसको अभिनंदन भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब तक अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को नाम, वो के नेम प्लेट दीबा पाटिल साहब का जब तक लगता नहीं, तब तक संघर्ष जारी रहेगा संघर्ष। आपने इस दौरान जब बड़ा आंदोलन हुआ था, एयरपोर्ट के प्लेस पर हुआ था, उस भूखंड पर हुआ था, उस वक्त आपने कहा था कि कहीं ना कहीं सिडको या सरकार शायद यहाँ पर रक्तरंजित क्रांति चाहती है, खून लेना चाहती है, बलिदान लेना चाहती है, और उस वक्त आपने अपना लहू दिया था। तो फीलिंग यही है कि जब सरकार हमेशा, और सरकार मांगे खून, सरकार हमेशा पुलिस के माध्यम से खून लेता है। हम बोलते जब अभी सरकार को खून ही चाहिए तो खून ले लो, हम खून का अभिषेक करेंगे। तो वो फीलिंग थी कि जब हमारा दैवत, इस किसान का दैवत, हमारी पहचान, हमारा आइडेंटिटी, हमारा अस्मिता दीबा पाटिल साहब है, तो वो हमारी अस्मिता है, हमारी पहचान है, उसका नाम लगने के लिए और हमारा अस्मिता जिंदा रहने के लिए, हमारा पहचान जिंदा रहने के लिए, और हमारा योगदान है, हमारा संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज है, इस भूमिपुत्र की, इस किसान का जो योगदान है वो जिंदा रखने के लिए, उसका इसीलिए वहाँ जब खून देने के लिए बोला तो खून भी देंगे, हमने खून दे दिया, जब उसके लिए कुछ भी योगदान देना है, कुछ भी योगदान हम दे देंगे। अब जब ये फैसला हुआ है तो आपको नहीं लगता कि ये मजबूरी में कहीं ना कहीं कुछ फैसला हुआ है? हुआ तो भले ही हित में है, लेकिन ये मजबूरी का फैसला नहीं आपको लगता? हमारा कहना है कि भले मजबूरी हो या और कुछ संकेत हो, हमारा मकसद था कि हमारा जो दैवत है, किसान का दैवत है, भूमिपुत्र का दैवत है, उनका नाम और हमारा पहचान, हमारी अस्मिता ही जिंदा रहना चाहिए। वो नाम दे दिया, उसके अंदर हम खुश है, लेकिन समाधान नहीं होगा हमारा। अब इस आंदोलन के साथ साथ बहुत सारे और मुद्दे जुड़ गए थे जो प्रकल्पग्रस्तों से जुड़े हुए थे, तो किस तरह से अब उन्हें ड्राइव दी जाएगी, किस तरह से उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि मुख्य मुद्दा जो था, जो ड्राइवर था एक्चुअली इस आंदोलन का, वो था नामांतरण। दो मुद्दा ले लें, नामांकरण मुद्दा और जो यहाँ की जो ज्वलंत समस्या है, फिर भूमिपुत्र के हो, शहरी हो, या श्रमिक हो, या जोरपट्टी हो, ये सबकी समस्या एक साथ में, नामकरण तो और वो एक स्टेप पार तो किया है, लेकिन जो ज्वलंत विषय उसके लिए भी संघर्ष होना, संघर्ष करते रहना है, अब वो भी हम ले लेंगे, और लिए हमने तो लिए, ऑलरेडी लिया है, इसीलिए उसके लिए भी संघर्ष चालू रहेगा और नामकरण के लिए संघर्ष चालू रहेगा। एक आखिरी सवाल सर, आपको लगता है कि इस सफलता ने या इस फैसले ने कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल साहब का नाम दिया जाएगा, सरकार ने जिस तरह से फैसला किया है, उससे प्रकल्पग्रस्तों का हौसला बढ़ गया है और आने वाले समय में जो दूसरी प्रलंबित समस्या है उसके समाधान के दिशा में नई गति के साथ आगे बढ़े? इसके अंदर जो यहाँ के भूमिपुत्र हो या देश के मूवमेंट करने वाले किसान हो या कोई, इसका यही हौसला है कि संघर्ष करने से ये मिलता है, ये हमें प्रेरणा मिली है कि हमें संघर्ष करना है, बिना संघर्ष हमें नहीं कुछ मिलेगा, इसीलिए जो कुछ हमारे ज्वलंत प्रश्न हो या ज्वलंत समस्या हो या नामकरण हो, इसीलिए हमें संघर्ष करने से ही मिलेगा, यह हमें महसूस हो रहा है और इसका हमें पता लगा है कि संघर्ष करना ही पड़ेगा, और इसीलिए हमें प्रेरणा मिली है कि संघर्ष, बिना संघर्ष कुछ नहीं मिलेगा, ये प्रेरणा हमारे, और वो प्रेरणा हमें दीबा पाटिल साहब ने दे दी है कि आप संघर्ष करते रहो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें प्रेरणा दी है कि आप संघर्ष करते रहो, जब तक आप संघर्ष करोगे तब तक आपका जो
प्रश्न है वो हल होता रहेंगे, ये समस्या जो है वो हल होता रहेगा या वो समस्या को आपको न्याय मिलता रहेंगे, लेकिन संघर्ष करो। इसलिए ये संघर्ष ने ये जो कल का जो उसके अंदर ठहराव हो गया कैबिनेट में, वो कैबिनेट में जो ठहराव हो बिना संघर्ष से नहीं हो गया, संघर्ष करके हो गया। इसलिए लोगों को इसके अंदर एक हौसला बढ़ गया है कि संघर्ष करने से मिलता है। बहुत बहुत थैंक यू सर। संघर्ष करने से ही सफलता मिली है और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर दीवा पाटिल का जो भी नाम मिला है वो कहीं ना कहीं संघर्षों की परिणति है। संघर्षों से झुककर ये सरकार ने ये फैसला किया है और इसीलिए आज प्रकल्पग्रस्तों के लिए नए हौसले की बात है, नई दिशा देने वाली बात है जो आने वाले समय में नए आंदोलन और नई समस्याओं के समाधान की दिशा तय करेगी। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।